तो आज की वीडियो में बना है ये पिड्डी सा टूल, और इस पिड्डी से टूल से आप चार काम कर सकते हो। तो इसे किस तरीके से बना है वीडियो में बने रहिए। तो पीवीसी पाइप से इस तरह की चीज़ आपको बना लेनी है, और इसके पीछे इस तरह का टुकड़ा चिपका लेना है ताकि आप इसको कॉलर पे कहीं पर भी टांग सके। इस तरह के दांत काट कर आप चिपका लें, और दांतों को अगर आप बारीक बनाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस तरह का टुकड़ा काट कर चिपका लेना है ताकि हम इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज में ले सके। और आपको इस टुकड़े को मजबूती से चिपकाना है। आप चाहो तो इसकी जगह कोई लोहे की हैवी पट्टी भी ले सकते हो, या इसके पीछे नियोडियम मैग्नेट चिपका सकते हो जिससे स्क्रू निकले नहीं। तो आपको इसे मजबूती से चिपकाना है। तो अभी आपको क्या करना है, एक लोहे की पत्ती लेनी है और उसको थोड़ा काट कर उसमें अच्छे से धार लगा लेनी है। आपको धार बहुत ही अच्छे से लगानी है, देख सकते हो। तो इस तरह की पत्ती आपको काट लेनी, तो इस तरह की पत्ती काट कर आपको तैयार करनी है ताकि हम उसे कटरे की तरह इस तरीके से यूज में ले सके। देख सकते हो ये इस तरीके से काम में आएगा, और इसको यहाँ पर इस तरीके से हमको चिपकाना होगा। तो इसको फटाफट से चिपका लेते हैं। तो देख सकते हो लगभग हमारा कटर बनकर तैयार हो चुका है। तो फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देख सकते हो वायर को काफी आसानी से छीन रहा है, साथ ही साथ ये टूल काफी छोटा है तो आप आसानी से इसे पॉकेट में रख सकते हो। और देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, और देख सकते हो वायर को काफ़ी अच्छे से काट रहा है। तो वायर को काट भी सकते हो, छील भी सकते हो। और गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अपने किसी एक कमीने दोस्त के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो देख सकते हो गाइस वायर को बहुत ही आसानी से काट रहा है, तो काफ़ी आसानी से वायर को काट सकते हो। देख सकते हो काफ़ी सारे वायर काट दिए इसने। तो अभी इस मोटे वाले वायर को छील के देखते हैं, और ये 1.5 स्क्वायर mm का वायर है, तो देखते हैं इसको छील कर। और गाइस देख सकते हो इसने इस वायर को भी छील दिया, तो काफ़ी बढ़िया टूल है और काफ़ी छोटा सा टूल है, तो आसानी से पॉकेट में रख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो इसने वायर को लगभग छील दिया। वायर छोटा होने के कारण हाथ से फिसल रहा है, लेकिन ये वायर को काफ़ी आसानी से छील रहा है, तो वायर को आसानी से छील सकते हो। तो गाइस देख सकते हो इसने लगभग वायर को छील दिया, तो वायर काफ़ी ढीट है, और आप इसे प्लायर की तरह भी यूज में ले सकते हो। इस तरीके से प्लायर की तरह पकड़ कर आप इसे खींच कर देखो, इस तरीके से छील सकते हो। तो गाइस पतले वायर को तो ये बड़ी आसानी से छील देगा, और आप इसे प्लायर की तरह भी यूज में ले सकते हो। इस तरीके से आप देखो तार को जोड़ सकते हो बिल्कुल प्लायर की तरह। तो अभी गाइस मोटे तार को काट के देखते हैं कि मोटे तार को काट पाता है कि नहीं पाता।
इस मोटे तार को ये इतनी अच्छे तरीके से नहीं काट पाता, इन पतले वायर को बहुत आसानी से काट सकते हो, लेकिन मोटे वायर को आप छील जरूर सकते हो लेकिन काट नहीं सकते क्योंकि आप उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। तो देख सकते हो गाइस, मोटे वायर को आप छील तो सकते हो लेकिन काट नहीं सकते। और गाइस, इस टूल को आप प्लायर की तरह भी यूज में ले सकते हो, एक टूल से आप चार काम कर सकते हो। साथ ही साथ ये टूल बहुत छोटा है तो आप आसानी से अपनी पॉकेट में भी इसे रख सकते हो। और गाइस, आपके छोटे मोटे नॉर्मल काम ये बड़ी आसानी से कर देगा, तो आपके छोटे मोटे काम इससे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और गाइस, प्लायर के पीछे के जो हैंडल होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, तो इस कारण आप ज़्यादा फोर्स लगा सकते हो, इस कारण आप मोटे वायर को भी काट सकते हो। और ये हैंडल जितने लंबे हो गया उतना ज़्यादा फोर्स लगा सकते हो। आपने देखा होगा कुछ प्लायर के पीछे के जो डंडे होते हैं वो ज़्यादा लंबी होती है, तो ज़्यादा लंबी डंडी होने के कारण आप ज़्यादा फोर्स लगा सकते हो। लेकिन फिर भी गाइस, आपके छोटे मोटे काम बड़ी आसानी से कर देगा और ये बहुत छोटा है, अपनी पॉकेट में आसानी से रख सकते हो, देख सकते हो एक उंगली के साइज का। और आप चाहो तो और बड़ा इसे बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाओगे तो आप इसे अपने पॉकेट में नहीं रख पाओगे। तो ये छोटा मोटा टूल है छोटे मोटे काम करने के लिए, और ये प्लाइट से काफ़ी हल्का है। साथ ही साथ एक टूल से आप चार काम कर सकते हो, तो ये काफ़ी काम का टूल है। तो अभी गाइस, इस स्क्रू को खोल कर देखते हैं और देख सकते हैं इस स्क्रू को काफ़ी आसानी से खोल दिया, तो आप इस तरह से टाइट भी कर सकते हो, लेकिन इस स्क्रू को आप ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते और ज़्यादा टाइट नट को खोल नहीं सकते क्योंकि आप ज़्यादा जोर लगाओगे तो यहाँ से टूट सकता है। लेकिन गाइस, इसको आप यहाँ ज़्यादा मजबूती से चिपकाओगे तो ये नहीं टूटेगा, आप चाहो तो इसको मजबूती से चिपका सकते हो, या कोई लोहे की पट्टी लेकर उसे मजबूती से यहाँ चिपका दे, या फिर आप इसे मेटल का भी बना सकते हैं, या फिर कोई नट बोल्ट भी लगा सकते हो। और नॉर्मल छोटे मोटे नट तो ये बड़ी आसानी से खोल देगा, तो छोटे मोटे काम तो इससे आपके बड़ी आसानी से हो जाएगा, या फिर इस तरीके से निकाल कर भी आप इस तरीके से भी खोल सकते हो, या इस तरीके से अंदर डाल सकते हो, या कोई नियोडियम मैग्नेट यहाँ चिपका सकते हो जिससे ये स्क्रू अलग ना हो। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, छोटा या बड़ा जैसा आप बनाना चाहे वैसा बना सकते हो, और एक टूल से आप चार काम कर सकते हो, और आप चाहो तो और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो, कोई और चीज़ भी इसमें डाल सकते हो। तो कमेंट में बताना कैसा लगा ये पिड्डी सा टूल आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की कमाल की वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।